हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आज हम क्या बनाएंगे। सो आज मेरा का मूड काफ़ी अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ डेजर्ट बनाते हैं। सो मैंने काफ़ी टाइम से मफिन्स नहीं बनाया, तो आज हम बनाएंगे मफिन्स। हम बनाएंगे प्लम मफिन, जिसे मैं स्पाइस मफिन्स भी बोलती हूँ। तो इसमें हम सर्टेन टाइप ऑफ स्पाइस यूज़ करते हैं। सो अभी मैं आपको सारा सब कुछ नहीं बता रही हूँ, तो चलो हम जल्दी से ना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। मफिन्स बनाने के लिए पहले हमको चाहिए 4 टेबलस्पून टूटी फ्रूटीज, एंड मैंने यहाँ पे 4 डेट्स लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है। एंड आप इसकी जगह पे जो है आप रेजिन्स भी यूज़ कर सकते हो, रेड टूटी फ्रूटीज भी यूज़ कर सकते हो। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ मिक्स फ्रूट जूस। हम इसकी जगह ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे एंड इसे 1 आवर के लिए रेस्ट करने देंगे ऐसे ही, ताकि जो भी हमने इसमें टूटी फ्रूटी एंड डेट्स डाले हैं वो अच्छे से इसे अब्जॉर्ब कर लें, जूस को अब्जॉर्ब कर लें। एंड तब तक हम नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। देन हम एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर, और शुगर को हम थोड़ा मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर जो है हम कैरेमल सिरप बना रहे हैं, उसके लिए मैं ये शुगर ले रही हूँ, और फ्लेम जो है हाई रखेंगे। तो हमारी जो शुगर वो मेल्ट हो चुकी है, हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। जैसे ये थोड़ा सा कैरमल कलर में आ जाएगी, हम इसमें जो है 5 टेबलस्पून जो है वाटर ऐड कर देंगे। तो 1 to 2 मिनट्स के लिए हम ऐसे चलाएंगे इसको हाई फ्लेम में, एंड देन इसका गैस ऑफ करके इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। कैरमल सिरप को हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। सो हमारा कैरमल सिरप जो है ठंडा हो गया, हम इसको भी इस बाउल में ही डाल देंगे, और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 कप शुगर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, फिर इसको आप साइड में रख देते हैं। देन हम 1/2 कप मिल्क लेके एंड इसमें हम जो है 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर लेंगे, एंड इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम साइड रख लेंगे तब तक ये जो है क्रम्बल्ड हो जाएगा। मीनवाइल हम जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम 1 कप रिफाइंड फ्लावर लेंगे, एंड देन 2 टीस्पून हम कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं। एंड नाउ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ये आप स्किप भी कर सकते हो। एंड नाउ जिन स्पाइसेस की मैं बात कर रही थी, 1/4 टेबलस्पून मैंने जो है जिंजर पाउडर लिया है, 1/4 टेबलस्पून मैंने कार्डमम पाउडर लिया है, एंड 1/4 टेबलस्पून मैंने सिनेमन पाउडर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एंड अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो उसके जगह पे आप जो है 1 इंच जो है जिंजर को क्रश करके मिल्क में डिप कर सकते हो 15 to 20 मिनट्स के लिए। एंड जब हम ये मिल्क यूज़ कर रहे होंगे एट दैट टाइम आपने जो जिंजर डाला था उसे रिमूव कर देना। एंड नाउ जो हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। एंड अब हम अच्छे से जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड नाउ हमने जो टूटी फ्रूटी और डेट्स जो है हमने सोक करके रखे थे 1 आवर के लिए, उसमें हम जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है हमने जो मिक्स किया है अभी, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे। एंड हम उसको जो है एक मोशन में जो है इसे फोल्ड करेंगे, मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कि अच्छे से जो है इसके अंदर एयर जो है वो अब्सॉर्ब हो जाए। अब हमने जो मिल्क साइड में रखा था वो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेंगे। और जैसे ही सारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े से अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर हम डालेंगे 1/4 कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल या फिर बटर। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जिसको हम अच्छे से जो है अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस, देन हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें बादाम और अखरोट लिए हैं, आप अपनी मर्जी कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। एंड हम अगेन से बहुत ही अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। एंड अब हम जो है इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे। मिनट्स हो गए हैं, ये हमारा
हमारा बैटर रेडी है। सो मैंने जो है ये पेपर्स भी रेडी कर लिए हैं, ग्रीस कर लिए हैं। सो अब मैं एक स्कूप करके जो है इस पर पोर करती रहूँगी। एंड वन मोर थिंग गाइस, हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है, मतलब उसके अंदर अच्छे से एयर आ चुकी है, फ्लफी हो चुका है। तो इसको दोबारा से आप अच्छे से मिक्स मत करना, वन वन स्कूप निकाल के इसे पोर करते रहना। इसे एक्चुअली अगर आप मिक्स करोगे दोबारा से तो सारी जो एयर उसके अंदर आई है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की वजह से, वो सारी वापस निकल जाएगी। वन मोर टिप गाइस, एक्चुअली ये जो बैटर होता है ये काफ़ी हैवी होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो पेपर के मैंने यूज़ किए हैं ये काफ़ी अच्छे तरह से मतलब ऐसे बिल्कुल खुल गए हैं। तो मैंने क्या किया, इसके नीचे ना एक्स्ट्रा मतलब 4 कप्स और लगाए हैं ताकि जो है ये एक स्टेबल पोजिशन पर रहे। सो अदरवाइज आपके पास अगर मफिन की ट्रेज है, मफिन बेक करने के लिए ट्रेज हैं तो बेटर है, अगर नहीं है तो आप ऐसा ही कर सकते हो जैसे मैंने किया है। सो अब जो है मैं इसमें मैंने जो है 7 मफिन्स तैयार की है, सॉरी बैटर से जो है 7 मफिन्स बने हैं। एंड इसमें जो है मैं शुगर स्प्रिंकल कर रही हूँ सबके ऊपर, एंड देन अब मैं इसे बेक करने के लिए डाल दूँगी। सो मैंने कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे इसे मैं 10 to 15 मिनट्स के लिए बेक कर रही हूँ। सो ये थोड़े से रिच मफिन्स हैं तो इनको थोड़ा बेक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको हो सकता है 15 to 20 मिनट्स भी लगे, तो बीच बीच में आप 15 मिनट्स के बाद अभी एक बार चेक कर लेना। सो हमारे मफिन्स जो है रेडी हैं। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, अच्छी लगी, सो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब इट गाइस। थैंक यू।